दोस्तों, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि वीडियो में क्या होने वाला है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गूगल के सर्च बॉक्स में UIDAI टाइप कर सर्च करेंगे। उसके बाद से UIDAI इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आधार का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आधार सर्विस में आपको दिखेगा वर्चुअल आईडी जनरेट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद से हो रहे कैप्चा को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा जो आधार से लिंक होगा, उसे एंटर करेंगे। उसके बाद से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप अपने सर्विस में लॉगिन हो जाएंगे, जिसमें आपको आधार डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा है जनरेट वर्चुअल आईडी, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से जनरेट वर्चुअल आईडी इस पर टिक रहने देंगे। उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए वर्चुअल आईडी शो हो जाएगा और आपके रजिस्टर मोबाइल पर भी भेज दिया जाएगा। अब जान लेते हैं वर्चुअल आईडी होता क्या है। दोस्तों, ये 16 डिजिट का एक अंक होता है जो आधार के नंबर की तरह ही काम करता है। ऐसे मान लीजिए आप पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड आधार का ऑप्शन आया है, इस पे क्लिक करेंगे। इसको कैंसिल करेंगे और ये देखिए आपको आधार नंबर से पूछेगा और इनरोलमेंट आईडी से पूछेगा, वर्चुअल आईडी से पूछेगा। तो जो आपने वर्चुअल आईडी जनरेट किया है उसको यहाँ पे इंटर करके, कैप्चा इंटर करके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि वर्चुअल आईडी मांगा जाता है, तो ये भी बहुत काम का चीज़ होता है। दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने घर बैठे मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप से वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बाय, टेक केयर।